मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में धूनी वाले दादाजी के दरबार का विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं ट्रस्ट की मांग है कि अधोहस्ताक्षरण धूनी वाले दादाजी खंडवा के आश्रित सेवाधारी और भक्तगण है। इसमें विधेयक के पारित होने तथा उसमें उल्लेखित प्रावधानों में दादाजी दरबार खंडवा की मर्यादाएं खत्म होती दिखाई दे रही है। इस कारण उनकी भावनाएं भी कहीं न कहीं आहत है। यह ज्ञापन इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि दादाजी मंदिर को इस विधेयक में सम्मिलित न कर अभिमुक्त किया जाए। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन लगातार मांग की जा रही है कि इस मंदिर में बढ़ते विवाद पर कहीं न कहीं प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए और विवाद का जल्द से जल्द निपटारा करे। वहीं कहा गया कि मध्य प्रदेश शासन को संदर्भित विधेयक पर पुनर्विचार कर दादाजी आश्रम के मर्यादाओं और मूल भावनाओं के विपरीत पारित विधेयक और उसमें दादाजी मंदिर खंडवा के सम्मिलित किए जाने के निर्णय को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि दादाजी के नाम से अब तक जिन भी लोगों ने संपत्तियां एकत्रित की है उसे भी दादाजी आश्रम व्यवस्थापन हेतु विधिवत रूप से गठित धूनी वाले आश्रम पब्लिक ट्रस्ट खंडवा में समाहित किया जाना चाहिए। वही ट्रस्ट की मांग है कि विधेयक में धारा 48 में किसी भी समय मंदिर को अभिमुक्त किए जाने के प्रावधान का उल्लेख भी किया गया, किंतु जिनसे अधिग्रहित की गई है उन्हीं संस्था को लौटाई जाने का कोई उल्लेख न करना विधेयक की मंशा पर प्रश्न चिन्ह है। वहीं बता दें कि दादाजी दरबार खंडवा की 22.5 एकड़ भूमि और उस पर निर्मित संरचनाएं बेशकीमती और अमूल्य है, किंतु समाधि स्थल को छोड़कर शेष भूमि के बाजार मूल्य की गणना अगर की जाए तो उसका मूल्य 2.5 अरब रुपए से अधिक होता है। इतनी बेशकीमती भूमि को शासन बिना किसी न्यायोचित और न्याय संगत कारण के विधिवत गठित और भक्तों के ट्रस्ट को भंग कर अधिग्रहित करने का जो प्रयास कर रहा है वह उचित नहीं है। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से मंदिर में ट्रस्ट की मांग है कि कहीं न कहीं इस मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है। इस राजनीतिकरण से कहीं न कहीं धूनी वाले दादाजी दरबार की छवि भी समाज में खराब हो रही है। इसलिए प्रशासन से बार बार यही गुहार लगाई जा रही है कि कहीं न कहीं बढ़ते विवाद को जल्द सुलझाया जाए। न्यूज इंडिया NI से फरीद मंसूरी की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया गया है, किस विषय में दिया गया है? आज ज्ञापन दादाजी दरबार के हम सभी सेवादारी भक्तगण ने दिया है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक 2019 जो पारित किया है और इस विधेयक में श्री दादाजी मंदिर खंडवा को सम्मिलित किया है उसका विरोध करते हुए ज्ञापन दिया है। यह विधेयक दादाजी दरबार की मान्यताओं मर्यादाओं के विपरीत है और इसके जो प्रावधान है वो यहाँ की मर्यादाओं को भंग करते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो विधिवत रूप से गठित ट्रस्ट है वो विधिवत कार्य कर रहा है, उससे कार्य करने दिया जाए तथा दादाजी के नाम से जो विभिन्न समितियां शिकायत करती रही हैं दादाजी दरबार ट्रस्ट की, वे लोग दादाजी के नाम से मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में और विदेश से भी धनराशि दादाजी के नाम से खंडवा दादा दरबार के नाम से एकत्रित करते रहे हैं। उनने भी संपत्ति दादाजी के नाम से एकत्रित की है, उनको जो इस अधिनियम विधेयक में से जो छोड़ देने का जो प्रयास किया है वो उनको लाभान्वित करने के लिए किया है। उनकी सारी संपत्ति अधिग्रहित कर दादाजी दरबार में समाहित की जाना चाहिए और दादाजी दरबार को विधिवत रूप से दादा भक्तों के द्वारा जो गठित मनोनीत ट्रस्ट है उसके संचालन उसके द्वारा ही किए जाएंगे। सर आपका परिचय? मैं मुकेश नागौरी और बाकी मेरे साथ जो हैं ये सभी दादाजी महाराज के भक्तगण हैं जो गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न समितियां बनती हैं, उनके संयोजक सहसंयोजक गण हैं और प्रतिदिन जो है सुबह शाम की सेवाओं में ये लोग भी जो है कार्यालय और उससे संबंधित सेवाओं में सहयोग देते हैं। ये सभी स्वयं सेवक।